हम इस वीडियो पे बात करेंगे पुष्पा ट्रिलोजी के बारे में। पुष्पा पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री का स्टोरी कैसा होने वाला है, पुष्पा राज का किस तरह का जॉनी है एक्चुअली पूरा का पूरा ये ट्रिलोजी में, पूरा का पूरा पुष्पा सीरीज में, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और पुष्पा पार्ट टू की ऑफिशियल अपडेट कब तक आ सकती है, शूटिंग कहाँ तक पहुंची है, कब तक कंप्लीट होगा, इन सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इसकी स्टोरी के ऊपर पहले हम चर्चा कर लेते हैं। भाई पुष्पा पार्ट वन से शुरू करते हैं। देखो इन सारी फिल्मों की ना टाइटल से ही सब कुछ है जो कि हमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ पता चल जाता है। ओके, तो पुष्पा पार्ट वन का टाइटल था पुष्पा पार्ट वन द राइस। ओके, द राइस मतलब पुष्पा राज का राइस हुआ है। वहां पे वो कैसे चंदन की तस्करी में जुड़ा, वहां पे जुड़ करके वो चंदन की तस्करी की वर्ल्ड की वो कैसे बेताज बादशाह बना, वो चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। पुष्पा पार्ट वन में हमें वही देखने को मिलता है कि कैसे वो एक मजदूर बन करके आया, कैसे वहां पे राज करने लगा, कैसे वहां का मालिक बन गया, वो सारा चीज देखने को मिला है। ओके, तो अभी पुष्पा टू में क्या देखने को मिलेगा, पुष्पा टू में वो जब राजा अभी बन गया है, अभी वो बादशाह बन गया है, तो वो अभी कैसे वहां पे रोल करेगा, वो कैसे रूल करेगा, उसका अपना आइन, अपना कानून कैसे चलाएगा, वो चीज दिखाया गया है। अगर कोई आ करके, देखो पुष्पा राज की एक एक चीज है आप देखे होंगे, वो कभी झुकता नहीं है, ठीक है ना, वो कभी झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं साला, उसका वो डायलॉग होता है। तो अगर मिनिस्टर लोगों के सामने कोई नहीं झुकेगा, सिस्टम के सामने कोई नहीं झुकेगा, पुलिस के सामने कोई नहीं झुकेगा, और वो जो चंदन की तस्करी का जो वर्ल्ड है, अंडरवर्ल्ड जो है, वहां पे तो बैठा होगा सबसे बड़ा डॉन। ओके, तो उसके सामने अगर आकर के कोई नहीं झुकेगा तो वो सारे के सारे लोग जो है इसके खिलाफ तो आ जाएंगे। और वैसे भी वेरिज पुष्पा में वो वीडियो में हमें देखने को मिला है कि पब्लिक पुष्पा के लिए पूरा पुष्पा को एकदम से भगवान मान रहे हैं, उनको बहुत सारा मदद किया है वो। ओके, तो पब्लिक का अगर कोई मदद करेगा तो वो इंसान तो बेशक मिनिस्टर लोगों का, सिस्टम का, पुलिस का, भ्रष्टाचारी पुलिस का, फिर डॉन लोगों का, गुंडों का, वो तो उसके उनके दुश्मन बन जाएगा। ओके, तो पुष्पा भाव जो है जब रूल करेगा ना तो लोगों का मदद भी करेगा और वो कभी झुकेगा नहीं, किसी को डरेगा नहीं, और इन सारी लोगों का मतलब मिनिस्टर, सिस्टम, पुलिस, फिर ये डॉन लोग, इन सभी का वो दुश्मन बन जाएगा। और वैसे भी पुष्पा पार्ट वन में हमें देखने को मिल चुका है वो पुलिस का दुश्मन बन चुका है ऑलरेडी, फहद फाजिल का मतलब वो भैरव सिंह का दुश्मन बन चुका है। तो हमें पुष्पा द रूल में वो रूल करेगा और रूल करते करते वो जा करके भिड़ेगा, मिनिस्टर लोगों से भिड़ जाएगा और अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ा डॉन मतलब ये जो चंदन की तस्करी चल रही है बैठा हुआ है सबसे बड़ा डॉन, उसके साथ उसका मतलब टकराना हो जाएगा। और वैसे भी हमें अपडेट देखने को मिल चुका है कि सबसे बड़ा डॉन के किरदार में, ओके, डॉन के किरदार में संजय दत्त इस फिल्म में उतर रहे हैं बोल करके। तो मेरे ख्याल से संजय दत्त जो है वो पार्ट थ्री का मैन विलन हो सकते हैं। ओके, तो पुष्पा पार्ट टू में हमें क्या देखने को मिलेगा कि पुष्पा पार्ट टू में ये जो लोग हैं मतलब मिनिस्टर हो गए, सिस्टम हो गया, पुलिस हो गए और फिर संजय दत्त मतलब सबसे बड़ा डॉन, ये सारे लोग जो हैं, ये सब लोग ना मिल करके पुष्पा भाव के ऊपर अटैक करेंगे। अटैक करेंगे किनके ऊपर, पुष्पा की परिवार के ऊपर, उसके दोस्तों के ऊपर, उसके व्यापार के ऊपर, उसके बिजनेस के ऊपर, और पुष्पा भाव जो है पार्ट टू में घायल होने वाला है, जो कि हमें हुएरिज पुष्पा में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। पुष्पा भाव को गोली लगी है, उसका इनकाउंटर हुआ है, इन सारे लोगों की पैतरे से होगा वो, है ना, इन सारे लोगों के मतलब इन सारे लोगों के दुश्मनी से होगा वो। तो पुष्पा भाव को गोली लगी है, वो जा करके कहीं पर छुपा हुआ है, और अभी पुष्पा भाव जैसा एक खतरनाक खूंखार इंसान अगर घायल है तो वो और भी ज्यादा कितना खतरनाक बन चुका रहेगा, आप जरा सोचो। ओके, तो पुष्पा पार्ट थ्री का टाइटल क्या होने वाला है, पुष्पा पार्ट थ्री का टाइटल होगा द रोर। तो अभी वो रोरिंग करने वाला है इन सभी के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, मिनिस्टर के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ और वो डॉन के खिलाफ, जिन्होंने उसके परिवार के ऊपर अटैक किया है, उसके दोस्तों के ऊपर अटैक किया है, उसके व्यापार के ऊपर अटैक किया है, उसके ऊपर अटैक किया है, तो उन सभी के ऊपर अभी वो रोरिंग करने वाला है। और उसका रोरिंग कुछ ऐसा होगा जो कि शेर की रोरिंग से भी और भी ज्यादा खतरनाक होगा, जो कि हमें हुएरिज पुष्पा में देखने को मिल चुका है कि शेर भी दो कदम पीछे चला गया है पुष्पा भाव को देख करके। तो पार्ट थ्री जो होगा वो बदले का होगा। ओके, पार्ट थ्री जो होगा वो बदले का होगा। पुष्पा पार्ट टू में वो रूल करेगा, रूल करते समय इन सारे लोगों के साथ वो भिड़ेगा और पुष्पा भाव को घायल किया जाएगा, और पार्ट थ्री जो होगा वो रोरिंग करेगा, वो बदला लेगा। तो पार्ट थ्री एकदम से वो फाइनल होगा जहां पे आकर के इन सभी को मारेगा और पब्लिक का रक्षा करेगा, और ऐसे ही पुष्पा भाव जो है वो नायक बन जाएगा। कुछ इस तरह की स्टोरी हो सकती है भाई, ये सारी टाइटल को देख करके, ये सारी अपडेट को देख करके और फिल्म की प्लॉट को देख करके, जितना सारा कुछ हमारे सामने आया है इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो ऐसा ही हमें पता चलता है। भाई
सच बताऊं तो इसकी प्लॉट, ये सारी चीजों को सुन करके देख करके ना बहुत ही मजा आ रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि भाई फिल्म बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। अभी हम बात करते हैं पुष्पा टू की अपडेट के बारे में। तो पुष्पा टू का अपडेट देखो कल ही हमें ऑफिशियल तरीके से देखने को मिल चुका है। ओके, कि कल देखो 21 साल पूरा हो गया है एक्चुअली ओलिवर जून को। ये 28 मार्च को उनकी पहली फिल्म गंगोत्री आया था, तो कल 28 मार्च था, तो 21 साल उनको पूरा हो गया है। तो मतलब 21 साल पूरा होने की जश्न में उनको बधाई देते हुए पुष्पा मूवी की तरफ से ऑफिशियल तरीके से हमें अपडेट देखने को मिला है कि बहुत ही जल्द ऑफिशियल अपडेट ये लोग अपलोड करने वाले हैं। और मेरे ख्याल से वो 4 अप्रैल हो सकता है, जहां पे हमें टीजर का अपडेट आएगा और 8 अप्रैल को हमें टीजर देखने को मिल जाएगा। और वही ऑफिशियल अपडेट में ये लोग फिर से रिकन्फर्म कर दिया कि 15 अगस्त को बाकायदा हमें पुष्पा टू मूवी देखने को मिल जाएगा। तो 15 अगस्त को आप तैयार रहिए, बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती होने वाली है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाली है मेरे भाई। ओके, तो गाइस और एक चीज है, शूटिंग की अपडेट में आपको बताता चलूं कि शूटिंग का अपडेट भी हमें देखने को मिल चुका है कि जून तक पुष्पा टू मूवी का सारा शूटिंग जो है वो रैपअप होने वाली है। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम थोड़ा बहुत रहेगा और 15 अगस्त तक फिल्म हमें बकायदा देखने को मिल जाएगा। भाई आप पुष्पा टू मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हो, और पूरा का पूरा पुष्पा सीरीज के लिए, ओके, मतलब पार्ट 3 के लिए, पूरा की पूरी की पूरी कहानी के लिए आप कितना एक्साइटेड हो, एक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।